हाथ पीछे बाल गणेश, मोदक बनते ही खाने आ जाते हो, लेकिन हाथ बटाने के नाम पर तुम्हें खेल कूद सोचने लगता है। आने दो तुम्हारे दोस्तों को, बताती हूँ उन्हें भी। सब यही है माँ, वो देखो। वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ। प्रभु, आप फंसे तो फंसे, हमें क्यों फंसाया? दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, सुख दुख सबके सांझे। इससे क्या होगा माता? चुपचाप खा लो, वरना इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु ये कह रहा है कि बहुत भूख लग रही है, क्या करें? भूख मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन माँ से बात कौन क्या करेगा? बच्चों, माता रुष्ट हो गई क्या? बहुत ज्यादा, खाने में केवल एक ही मोदक दिया आज। आप माँ से बात कीजिए ना पिताजी। हर काम बात करने से नहीं बनता बाल गणेश, योजना भी लगानी पड़ती है। हाँ? हद हो गई तुम्हारी बाल गणेश, जब देखो तब खेल खेल और खेल, तुम्हारा काम से जी उठता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। चलो जाओ, अभी के अभी टेढ़ा मेढ़ा असुर को मार के आओ, जाओ। पिताजी, मैं अभी जाकर टेढ़ा मेढ़ा असुर को मार कर आता हूँ। पिताजी, हमने टेढ़ा मेढ़ा असुर को मार कर सीधा कर दिया। तो जाओ और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को धारा लोक की ओर मोड़ दो। पिताजी, कुछ देर बात करें, अभी भूख लगी है। काम से बढ़कर भूख नहीं होती बाल गणेश, जाओ ये कार्य अभी करके आओ। जी पिताजी। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ बस करिए आप, क्या लगा रखा है आपने, कभी ये करो कभी वो, कुछ खाने तो दीजिए मेरे बच्चों को। बाल गणेश अपना अधिक समय खेलने में लगा रहे हैं, ऐसे में यदि हाँ तो अब बच्चे इस उम्र में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? अभी ये असुरों को मार कर आए हैं और अभी आप उन्हें दूसरे काम पर भेज रहे हैं। अब जब तक ये सब कुछ खा नहीं लेते कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? मैं तुम लोगों के लिए मोदक लाती हूँ, सबको भरा हुआ पूरा एक थाल मिलेगा। हाँ? वाह पिताजी, आपकी योजना तो सच में बढ़िया है। अभी देखती हूँ। योजना तो मैं तुम सबकी बनाती हूँ आज, आओ इधर। हम पकड़े गए बाल गणेश, भागो। रुको। Yeah.
अगर ये असुर इसी प्रकार जंगल काटता रहा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस असुर को रोकने का अब एक ही उपाय है। बाल गणेश, जंगल को बचाइए। बाल गणेश, क्या हुआ जंगल रानी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बाल गणेश, गुफासुर पागलों की तरह जंगल को काट रहा है। ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में सभी जंगली जानवर भोजन पानी के लिए इंसानी बस्तियों की ओर मुड़ जाएंगे। ऐसा हुआ तो इंसानों और जंगली जानवरों के बीच भयानक टकराव हो जाएगा जो सही नहीं है। अब आप ही इसे रोक सकते हैं। आप चिंता ना करें जंगल रानी माँ, आपका पुत्र बाल गणेश जंगल को नष्ट नहीं होने देगा। पेड़ों को काटना बंद करो गुफासुर, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। मुझे रोकने वाला तू कौन है बच्चे? मैं महादेव पुत्र बाल गणेश हूँ। तो तू है बाल गणेश, तू तो है एक हाथ जितना ऊंचा और मुझे मारने की बात कर रहा है। चला आ, मार के दिखा मुझे मार। तू तो गया। चिंता मत करो गुफासुर, जब मेरे भक्त दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। बाल गणेश, और कितना मारेंगे? मैं वचन देता हूँ, अब मैं कोई पेड़ नहीं काटूंगा, सच में। ये क्या बात हुई गुफासुर, तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली। और क्या करूं प्रभु, मैं ये सब अपना नाम बदलने के लिए कर रहा था, लेकिन जब ये नाम मेरा साथ ही नहीं छोड़ना चाहता तो पीटने से क्या फायदा? पूरी बात कहो गुफासुर। कहानी बहुत दुख भरी है प्रभु, मेरा जन्म गुफा में हुआ था तो मेरा नाम गुफासुर रख दिया गया। बड़ा हुआ तो लोग मुझे इस नाम से चिढ़ाने लगे, मुझे अपने इस नाम से नफरत है प्रभु, इसलिए जैसे गुफा में पैदा होने पर मैं गुफा असुर हो गया, वैसे ही मैं यहाँ महल बनाकर महल असुर के नाम से प्रसिद्ध होना चाह रहा था। अरे बुद्धू, ऐसी बात थी तो अपना नया नामकरण करवा लेते। नामकरण? लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं प्रभु। कोई बात नहीं गुफा असुर, ये काम मैं कर देता हूँ। आज से और अभी से तुम महालासुर के नाम से जाने जाओगे। सुना सुना दुनिया वालों, आज से मेरा नाम महालासुर है। महालासुर, महालासुर, महालासुर। जंगल को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाल गणेश, विजयी भव। Ha ha ha!
बस बस प्रभु, मुझे चक्कर आ गए। प्रभु, झील का पानी तो मीठा था, ये इतना गंदा कैसे हो गया? इस गंदे पानी को पीकर तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा प्रभु। ये गंदगी उस नाले के कारण हो रही है। प्रभु, इसे अब बंद कर देते हैं, ना रहेगा नाला, ना होगी गंदगी। नाला बंद करने से कुछ नहीं होगा ब्रिंगी, हमें इस नाले का स्रोत ही बंद करना होगा। द्वारा फेंका गया ये कचरा और ये गंदा पानी झील को गंदा कर रहा है। अब उस पानी को पीकर जानवर और मनुष्य दोनों का बीमार पड़ना निश्चित है। अच्छा होगा अगर तुम सब एक गड्ढा खोदकर सारा कचरा उसमें दबा दो, जो कुछ समय बाद खाद बनकर धरती की उपयोगिता ही बढ़ाएगा। प्रवचन मत दे बालक, और भाग यहाँ से। अगर हमारी भूख जाग गई तो तुम सबको कच्चा चबा डालेंगे। बात मान लो तो अच्छा होगा असुरो, वरना चबाने के लिए किसी के पास दांत ही नहीं बचेंगे। तू हमारे दांत तोड़ेगा? चलो हम भी तो देखें तेरे पाव किलो के हाथों की ताकत है। आ, तोड़ हमारे दांत, आजा। कुछ गलत कह दिया क्या? मेरे भक्त जब भी दिल से मुझसे कुछ मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो अवश्य देता हूँ। आज तुम सबने दांत तोड़ने के लिए कहा है, अवश्य टूटेंगे। तथास्तु। मेरी बारी। तूने तो सच में दांत तोड़ दिए। पिताजी, मैंने कहा था ना आपको कि गुरुकुल में बताया गया है कि बाहर कचरा फेंक कर गंदगी नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं माना तो देखो पित गए ना। देखा, इस बच्चे को भी पता है कि कचरा कहीं भी फेंक देना प्रकृति के लिए अच्छा नहीं होता। प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। हे शक्ति पुंज, हमसे गलती हुई, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अभी से नाला बंद कर देंगे और आज से ही सारा कचरा गड्ढे में ही डालेंगे, लेकिन कृपया करके हमारे दांतों को जोड़ दीजिए प्रभु। मेरा कोई भी भक्त जब भी दिल से मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे अवश्य देता हूँ। जोड़ जाओ दांत।
हमारे दांत टूट गए, हमारे दांत टूट गए। अब से हम गंदगी कभी नहीं फैलाएंगे, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। महादेव, महादेव, रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। प्रभु ध्यान में है। नंदी जी, गेंदासुर ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया है, अब महादेव ही बचा सकते हैं, इन्हें जगाइए। नहीं, पुत्र के होते पिता को क्यों जगाना, हा? आप प्रभु बाल गणेश से मदद मांग लीजिए, बस मोदक बनाकर ही तो खिलाने हैं। हाँ खिलाऊंगा, परंतु मुझे मोदक बनाने तो आते ही नहीं। तो इधर लाओ कान, और मोदक कैसे बनाने हैं ये लो जान। जी मोदक तैयार हैं, परंतु बाल गणेश कहाँ मिलेंगे? आइए मेरे पीछे पीछे। नंदी जी, मोदक बना ही लिए आपने? प्रभु की आज्ञा सेवक का धर्म है। हाँ? झूठ है ये, ये मोदक नंदी जी ने नहीं मैंने बनाए हैं प्रभु। प्रभु चाहे किसी ने भी बनाए हो, मतलब तो मोदक से है ना। मान ली आपकी बात नंदी जी, लेकिन यदि इंद्रदेव के हाथों के ये बने मोदक स्वादिष्ट नहीं हुए तो गेंदा असुर से आप ही को भिड़ना होगा। लाओ मोदक। मर गए, पहली बार मोदक बनाने वाले इंद्र से स्वाद की आशा तो बेकार है। वाह इंद्रदेव जी, मोदक बहुत ही स्वादिष्ट है। बच गया। गेंदा असुर नंदी जी के नहीं मेरे हाथों से ही पीटेगा। तू बालक गेंदा असुर को मारेगा तो आप मार मुझे, आमार। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? गलत नहीं, सही कहा तुमने गेंदा असुर। जब भी मेरा कोई भक्त दिल से मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे अवश्य देता हूँ। तूने मार मांगी है, मिलेगी, भरपूर मिलेगी। प्रभु मैं भी इसे मारना चाहता हूँ।
तो मारिए इंद्रदेव जी, किसने रोका है? प्रभु, आप लोग मेरी वजह से हंसे हैं ना, इसलिए अब हंसे तो फंसे वाली कहावत सच कर दीजिए ना। छोड़ दीजिए मुझे। भक्त जो मांगता है मैं अवश्य देता हूँ। जा, तुझे छोड़ दिया। बाल गणेश की जय। आज बाल गणेश की नहीं, आज इंद्रदेव के मोदक की जय होगी। इंद्रदेव जी, जरा वो थोड़े 10-15 लाख मोदक और बना दीजिए ना। 10-15 लाख? अरे, गेंदा असुर को भगाना तो भारी पड़ गया। Ha 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 ha